सबके बीच पीएम मोदी ने आज जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अब से थोड़ी देर पहले करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फलाकाता सलसलाबाड़ी नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे सिलीगुड़ी आने जाने के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जलपाईगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की रेलवे और हवाई सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, आपका जीवन आसान बनाने के लिए इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सभी साक्षी हैं कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, साथियों, पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के नाम पर जिनको आपने जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना बना लिया है। आज स्थिति है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है लेकिन दादागिरी किसी और की चल रही है। शासन टीएमसी के जगाई और मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की इस सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर बिचौलियों के अधिकार है, दलालों के अधिकार है। दीदी दिल्ली जाने के लिए परेशान है और बंगाल के गरीब और मध्यम वर्ग को सिंडिकेट के गठबंधन से लूटने के लिए छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागिरी के इस निजाम से लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन दहाड़े धरने पर बैठ जाए। लुटेरों की रक्षा के लिए, बेईमानी करने वालों की रक्षा के लिए, गरीबों को बर्बाद करने वालों की रक्षा करने के लिए आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। चिट फंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई है? क्यों जिन लोगों पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है उनके लिए धरना दे रही है? साथियों, मैं शारदा नारदा रोजवैली की
ये ठगी के शिकार हर परिवार को विश्वास दिलाने आया हूं कि चौकीदार इनको छोड़ेगा नहीं। खबर अभी और भी है, फिलहाल लेंगे छोटा सा।